वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के यूनिट 4 के बारे में। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने यूनिट 4 के टॉपिक पेटेंट के बारे में बात किया था और आज की इस वीडियो में हम IPR के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि IPR होता क्या है। तो IPR क्या है? IPR आर द राइट्स गिवन टू द पर्संस ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। तो IPR क्या है? IPR एक तरीके का राइट्स है जो हम देते हैं पर्संस को। कौन से पर्संस को देते हैं? ऐसे पर्संस को जिन्होंने अपने माइंड से कोई भी चीज़ को क्रिएट किया है, ऐसे पर्संस को हम IPR देते हैं। तो IPR क्या है? IPR एक तरीके का राइट्स होता है जो कि किसी भी पर्सन को उसके क्रिएशन के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपने पेटेंट देखा, तो पेटेंट भी हम एज अ क्रिएशन के लिए ही दे रहे थे और हमने आपको पहले ही बताया है कि पेटेंट जो है वो IPR का ही पार्ट है। तो IPR क्या है? IPR एक तरीके का राइट्स है जो हम किसी भी पर्सन को उसके क्रिएशन के लिए देते हैं और वो क्रिएशन उसके खुद के माइंड का क्रिएशन होना चाहिए, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। वो क्रिएशन उसके खुद के माइंड का, उसके खुद सेल्फ माइंड सेल्फ क्रिएशन होना चाहिए। क्रिएशन उसका खुद का क्रिएशन होना चाहिए जो कि उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके किया हो। जैसे कि कोई भी कहीं का भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ये उसके खुद के माइंड का क्रिएशन होना चाहिए। ऐसे ही क्रिएशन के लिए हम IPR देते हैं और IPR को राइट्स को देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? IPR इज डिफाइंड एज द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ इन्वेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दस एक्सक्लूडिंग अदर फ्रॉम मेकिंग कॉपिंग यूजिंग और सेलिंग हिज क्रिएशन। तो IPR क्या है? IPR एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि हम इन्वेंटर को दे रहे हैं। और ये इन्वेंटर को हम राइट्स दे क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि पेटेंट में भी हमने उसको राइट्स दिया है, IPR के थ्रू भी हम राइट्स दे रहे हैं। तो ये राइट्स देने का काम क्या है? जब भी कोई भी पर्सन कोई भी अपनी क्रिएशन कर रहा है, कुछ अपने दिमाग से कोई नई चीज़ को डेवलप कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो पहले से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पर्सन ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ ऐसी नई क्रिएटिव चीज़ को फॉर्मुलेट किया है, कोई नई क्रिएटिव चीज़ को बनाया है, तो IPR उसी क्रिएटिव चीज़ को जो उसने बनाया है, जो उसकी इन्वेंशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ये जो प्रोटेक्शन है, जो ये हम IPR के थ्रू जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसका काम क्या है? उसका काम इतना होता है कि वो जो प्रोटेक्शन जो भी उसके पास जो उसने प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, जो भी उसने क्रिएशंस की है, उसको वो प्रोटेक्ट करे। और प्रोटेक्शन इन द फॉर्म कैसे करना है हमें प्रोटेक्शन, कि कोई भी दूसरा पर्सन उसको एक्सक्लूड करना, किस चीज़ से एक्सक्लूड करना? अदर फ्रॉम मेकिंग कॉपिंग सेलिंग और यूजिंग। मतलब कि उसकी जो ये क्रिएशन है, उसको कोई दूसरा सेकंड पर्सन उसकी क्रिएशन को ना तो इस्तेमाल कर सके, ना ही यूज़ कर सके, ना सेल कर सके, ना मार्केट कर सके, ना ही इंपोर्ट कर सके। तो ये जो दिया गया है उसको ये राइट्स, ये उसकी क्रिएशन के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। इसकी राइट्स की हेल्प से, IPR के राइट्स की हेल्प से, वो अपनी जो क्रिएशन है, जो उसने अपने माइंड से डेवलप की है, जो उसने कुछ नई फॉर्मुलेशन क्रिएट की है, उसका कोई अदर पर्सन इस्तेमाल ना कर सके, ना ही उसका सेल कर सके, ना मेकिंग कर सके, ना एक्सपोर्ट कर सके, ना इंपोर्ट कर सके, इसी के प्रोटेक्शन के लिए IPR के राइट्स को दिया जाता है। तो ये होता है IPR का मतलब, कि IPR में हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जो ये हम राइट्स दे रहे हैं, इस राइट्स को देने का क्या एडवांटेज है, वो हम आगे देखेंगे कि इसका एडवांटेज होता क्या है। जो हमने ये राइट्स दे दिए, उसकी वजह से उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है। ये अब ऐसा क्यों है कि हम किसी भी पर्सन को उसके सेलिंग से मना कर रहे हैं, यूजिंग से मना कर रहे हैं, मेकिंग से मना कर रहे हैं, इम्पोर्ट से मना कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा फिर क्या है? उस पर्सन ने उस चीज़ को बनाया ही क्यों है, जब उसको ना तो कोई इस्तेमाल कर सकेगा, ना कोई सेल कर सकेगा, ना यूज़ कर सकेगा, ना ही उसको कोई फॉर्मुलेट कर सकेगा। तो उसकी इस क्रिएट
क्रिएशन का क्या मतलब है, मतलब उसने बनाया और उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसे क्रिएशन का क्या मतलब है। तो ये जो क्रिएशन का ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है उसका भी बेनिफिट्स होता है, लेकिन वो बेनिफिट सिर्फ उसी पर्सन के लिए होता है जो कि हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो हैविंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो IPR की जो राइट्स दिए जा रहे हैं ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि आपने पेटेंट में देखा कि 20 ईयर्स का पेटेंट ग्रांट होता है, इसी तरीके से अगर आप कॉपी राइट्स की बात करेंगे तो 60 ईयर का कॉपी राइट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसी तरीके से जितने भी IPRs होते हैं, IPR के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनका जो ये राइट्स दिया जाता है वो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, कि उतने पीरियड के लिए ही उनके पास ये पावर है कि उस ड्यूरेशन में कोई भी उनके उस प्रोडक्ट को ना तो मैन्युफैक्चर कर सके, ना ही यूज़ कर सके, ना सेल कर सके, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो डिपेंड करता है IPR के टाइप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि IPR के देने के कुछ बेनिफिट्स हैं, उनका क्या मतलब है, जब कोई उसको पर्सन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो पर्सन ने खुद बनाया, खुद ही उसको यूज़ किया, तो उसका क्या बेनिफिट है, उसका पब्लिक बेनिफिट क्या है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये जो प्रोटेक्शन IPR को दिया जा रहा है, IPR के थ्रू ये जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, या फिर आप कहें पेटेंट के थ्रू जो भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि जब उसी पर्सन के पास यानी इन्वेंटर के पास ही सिर्फ पावर है कि वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उसकी सेलिंग कर सके, उसका यूज़ कर सके, उसका इम्पोर्ट कर सके, तो इस केस में उसने दूसरों को तो एक्सक्लूड कर ही दिया है, लेकिन उस प्रोडक्ट के थ्रू जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो उस इन्वेंटर को मिलेगा जिसने इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है, जिसने उस इन्वेंशन को किया है, उसी को वो फॉर्मुलेट, उसी को ही सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने जो क्रिएशन की है वो क्रिएशन ख़राब नहीं है, वो क्रिएशन की प्रोटेक्शन इसलिए नहीं दिया जा रहा कि कोई दूसरा पर्सन ना इस्तेमाल करे, उसका ये जो प्रोडक्शन देने का जो पर्पस मेन है कि उससे जितने भी बेनिफिट्स हों, उससे जितने भी रिवेन्यू बने, जितना भी कॉस्ट जो भी हमारी उसकी इनकम हो, वो सिर्फ उसी पर्सन के पास रहे जिस पर्सन ने अपने दिमाग के अपने दिमाग लगा के उस चीज़ को इन्वेंट किया है, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी पर्सन को मिले जो उसका इन्वेंटर है। इसीलिए ये जो हमारी IPRs के राइट्स दिए जा रहे हैं वो उसी पर्सन को, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन सिर्फ वही पर्सन जिसकी ये इन्वेंशन है वो उससे बेनिफिट कमा पाए, उससे वो बेनिफिट ले पाए। तो यही चीज़ है कि इम्पोर्टेंस क्या है IPR की। तो देखिए, रिवेन्यू बी सोल्ड, तो अगर वो उस चीज़ को इन्वेंट, जो भी पर्सन ने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है, मान लीजिए कोई, जैसे कोई एक पर्सन है उसने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि कभी भी मार्केट में थी ही नहीं, लेकिन उसने उसको जब ये फॉर्मुलेट किया तो अब पब्लिक को उसकी बहुत डिमांड है। पब्लिक को ये पता चला कि उसके पास एक इस तरीके की चीज़ है, लेकिन वो भले ही उसकी क्रिएशन है लेकिन वो पब्लिक के लिए वो काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है जो उसने क्रिएट की है, तो पब्लिक क्या चाहेगी कि हम उससे परचेज करें। तो परचेजिंग का पावर, परचेजिंग जब पब्लिक करेगी तो उसको बनाने का काम तो उसी पर्सन ने किया है, तो पर्सन से ही उसे परचेज करना है। तो इस केस में क्या है, इस केस में सारे ऑर्डर उसी पर्सन के पास जाएंगे, क्योंकि और किसी के पास तो पावर ही नहीं है कि वो उसको फॉर्मुलेट कर सके। तो वो उसको जब फॉर्मुलेट करेगा तो उस सारे जितने भी लोग उसको परचेज करेंगे, सारे के सारे जो इनकम होगी वो उसी पर्सन की होगी जिसने उसको फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो इसी तरीके क्या है, रिवेन्यू भी सोल्ड, जितना वो सोल्ड करेगा उतना उसके पास रिवेन्यू मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेट बिजनेस फॉर कॉम्पिटिटर, अगर मार्केट में ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स हैं लेकिन उसने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की जो और कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, तो इस तरीके से वो अपने बिजनेस को मार्केट में सेट कर सकता है जहाँ पे पहले से कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, तो ये इसमें हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, इस तरीके से क्या है उसकी एक मार्केट वैल्यू बनेगी, क्योंकि सभी के पास जो वो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन एक पर्सन है जिसके पास ये प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से सारी जो पब्लिक है जिसको उस चीज़ की नीड है, तो सभी लोग उस पर्सन को जानने लगेंगे, उससे वो चीज़ परचेस करेंगे, तो इस तरीके से उस पर्सन की मार्केटिंग भी होगी, ब्रांडिंग भी होगी, तो उसमें ये हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट योर क्रिएशन बाय अदर्स मेकिंग सेलिंग इंपोर्टिंग विदाउट योर परमिशन। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि IPR की हेल्प से इसके इस इन्वेंटर के अलावा कोई भी और पर्सन उसको ना तो सेल कर सकता है, ना मार्केट कर सकता है, ना यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर
अगर वो जो पर्सन है सिर्फ वही उसको उसी को मैन्युफैक्चर कर रहे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसके पास कोई उसने एक मशीन ही बनाई है, अब उसके पास उतना मैन पावर नहीं है कि वो उस मशीन को इतना क्रिएट कर सके कि पब्लिक की डिमांड को कंप्लीट कर सके। तो इसलिए क्या है, वो अपने पेटेंट को दूसरे को बेच भी सकता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसको बेच करके उसका प्रॉफिट ले सकता है, या फिर अपने पेटेंट को पेटेंट की हेल्प से उनको ये अग्रीमेंट दे सकता है, उनको ये बोल सकता है कि आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ की परमिशन देता हूँ। तो इस तरीके से वो पर्सन जो है दूसरे अदर पार्टीज़ को परमिशन दे सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसकी सेलिंग के लिए, जब उसके पास उसको किस या तो उसको वो सेल करना ही चाह रहा हो, अपनी क्रिएशंस को किसी को सेल भी कर सकता है या परमिशन दे सकता है, लेकिन विदाउट इसकी परमिशन कोई अदर पार्टी उसको नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो इस केस में क्या है, अगर वो किसी को सेल भी करता है तो भी उसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि दूसरा पर्सन जब उससे पेटेंट खरीदेगा तो उसको पैसा देगा, उससे कोई अपना IPR जो भी IPR डिस्क भी टाइप का होगा वो खरीदेगा तो उसको रिवेन्यू देगा, अगर वो दूसरे को परमिशन भी दे रहा है तो उसके पास वो भी वो प्रॉफिट कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो इस तरीके से वो जो है इस तरीके से उसके ऊपर क्या है, बेनिफिट्स तो उस पर्सन को मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से ये IPR उस पर्सन के बेनिफिट्स का काम कर रहा है, IPR की हेल्प से वो पर्सन अपना सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए जो IPR जो होता है वो मोटिवेट करता है अदर को कि आप भी कुछ ऐसे क्रिएशंस करिए, कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन करिए जो कि किसी और के पास ना हो, फिर आपको भी उसका रिवेन्यू मिल सके। ये होता है इसका इम्पोर्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ IPR के बारे में कि IPR के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए IPR के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पेटेंट, जिसको हमने डिटेल में बता दिया है, आप चाहें तो चैनल में ड्रग टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके पेटेंट की वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड है हमारा कॉपीराइट। तो कॉपीराइट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स जब हम किसी भी एनी डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन का बुक या फिर चार्ट या फिर फिल्म जो होती है उनका अगर हमने कोई ऐसी एक्सक्लूसिव कॉपीराइट में क्या करते हैं, अगर हम कोई भी ऐसी एक्सक्लूसिव फिल्म बना रहे हैं, एनी डिज़ाइन बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो उसका हम कॉपीराइट लेते हैं, तो वो कॉपीराइट हमें उसके राइट्स को देता है और उसकी प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, एनी वर्ड्स सिंबल्स एंड साइंस जो होते हैं वो ट्रेडमार्क होते हैं, मतलब कोई ऐसा यूनिक साइन हो गया, कोई सिंबल हो गया, कोई भी आपका जो है वर्ड्स हो गया, तो उस जो कि पहले से नहीं है अवेलेबल लेकिन आपने उसको क्रिएट किया है, तो उसका आपको जब उस साइन सिंबल का कोई भी हम राइट देते हैं IPR तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, क्योंकि ये मार्किंग के फॉर्म में है तो इसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए नाइके के शूज़ जो होते हैं, एडिडास के जो शूज़ होते हैं, उनके जो खुद के वो ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो उनके सिंबल्स हैं वो उनके ट्रेडमार्क्स हैं। तो जैसे कोका कोला का सिंबल है वो उसका ट्रेडमार्क है, तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स। ये जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, सीक्रेट्स फॉर्मुलेशन एंड बिजनेस प्लान, जैसे कि कोई भी फॉर्मुलेशन है, जैसे कि आप ये देखिए, जैसे कि आपके पास मैगी है, मैगी का अपना खुद का एक फॉर्मुलेशन है, जो उसका मसाला होता है, मैगी मसाला जो है उसकी खुद की एक फ्लेवर जो आता है वो उसके किसी इंग्रेडिएंट की वजह से आता होगा, तो वो उसका टॉप सीक्रेट जो चीज़ है उसी को हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट, जो कि वो पब्लिक से कभी शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि कोका कोला का ले लीजिए, उसका जो फ्लेवर आ रहा है उसका भी एक ट्रेड सीक्रेट्स होता है, तो वो चीज़ें जो फॉर्मुलेशन में सीक्रेट फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको हम ट्रेड सीक्रेट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस के प्लान्स बनाए जाते हैं वो भी ट्रेड सीक्रेट्स का पार्ट है। तो इस तरीके से वो जितने भी प्लान्स होंगे, जितने भी फॉर्मुलेशंस होती हैं उनके IPR को हम ट्रेड सीक्रेट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से IPR के 4 टाइप्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।